खबर पन्ना से, जिसे जिला अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही के मामले आए दिन सुर्खियों में बने रहे थे। और ऐसे ही एक और मामला सामने आओ, जिसे पन्ना जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोई की मौत हो गई। बता दें कि एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती करोगा तो मनोते महिला डॉक्टर के समय पर न पहुंचने की वजह से प्रसूता की हालत बिगड़त गई और उनकी मौत हो गई। अब परिवार वालों ने आरोप लगाओ है डॉक्टर पे लापरवाही को और कार्रवाई की मांग भी करी है। जब डॉक्टर को बताया है कि मतलब ऐसा ऐसी बात, तो उनको डायरेक्ट ऑपरेशन बोलना चाहिए, कल उनको हर चीज की जानकारी हम लोगों को तो है नहीं, उनकी भरोसे आते हैं, उन्होंने बोल दिया नॉर्मल हो जाएगा। इन लोगों ने 12 बजे रात तक बोला कि नॉर्मल हो जाएगा, बच्चा थी कि फूल हंसी थी। अब जब जब लास्ट पर गए लोग हर चीज, जब इनने कहा कि वो ऑपरेशन हो पे डायरेक्ट बोल दिया ने कार के खत्म। यहाँ पे लेके आए, इनको दिखाया था, इनने देखा, बोले खून पेशाब की जांच करवा लिया, उनको खून पेशाब की जांच करा ली, बोले सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 9 बजे 10 बजे 11 बजे 11 के बाद 12 बजे बोले अब सामान लेके आओ, ऑपरेशन करना है। हमने कहा ठीक है, सामान कहाँ से जाए, बोले वहाँ मेडिकल में खिड़की से मिल जाता है सामान। हम लोग पहले तो वहाँ सामान लेके आए, सामान ला के दिया तो सामान लेके वो ले गए अंदर, फिर उसके बाद घंटा दो घंटा हो गया, ये लोग जाते उनको धक्का धक्का के भगाते थे। वो आपत्ति की आवश्यकता थी और आपत्ति की आवश्यकता थी, इसीलिए रात में उसको आपत्ति में लेके जाया गया, लेकिन इसी दौरान ये घटना हुई। अब कहीं पे भी यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको संतोष होता है, यद्यपि दवाइयाँ हैं और दवाइयाँ बाहर खाने का नहीं है, हो सकता है कोई दवाई ठीक न मिल पाई, न मिली हो तो ग्वालियर के जीवा